हमारे कुछ भाई लोग हैं जो कि रमज़ान में तो मस्जिदें भर जाती हैं, लोग मस्जिदों में बाकायदगी से जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है दोबारा अपनी रूटीन पे वापस आ जाते हैं। उनके लिए कुछ नसीहत? उनके लिए नसीहत क्या दूँ इसके सिवा कि मैं ये कहूँगा कि रस्मी रोज़ा ना रखें। रोज़ा रखना है तो फिर रब के साथ पक्की यारी वाला रोज़ा रखें। जैसे रमज़ान में प्यार किया है वैसे ही बाकी दिनों में भी प्यार करें। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि मैं खुलकर एक बात करना चाहता हूँ, हजूर ये रमज़ान का अपना मौजज़ा है, ये रमज़ान मुबारक की अपनी कशिश है, गुनाहगार से गुनाहगार को भी खींच लेता है। तो रमज़ान मुबारक दरअसल बंदों को खुद ही खींच रहा होता है, लेकिन रमज़ान मुबारक के बाद साफ बात है बाकी महीनों में वो कशिश तो नहीं होती, तो वो वाकई उसके बाद मस्जिदों की वो रौनक नहीं रहती। लेकिन बहरहाल मैं नौजवानों से भी कहूँगा, बुज़ुर्गों से भी कहूँगा, ख़वातीन से भी कहूँगा कि जिस तरह शौक़ शौक़ के साथ रमज़ान में इबादत करते हैं ना, चांद रात भी इसी तरह इबादत करें, अगले रोज़ भी इसी तरह इबादत करें, बल्कि ईद के दिन को इबादत समझ कर गुजारें, उसमें मुफीद खुशियाँ तो मनाएँ मगर ऐसी खुशी ना मनाएं जिससे किसी की दिल आज़ारी हो जाए, किसी दूसरे का दिल टूट जाए, ये ना करें। और गफलत ना करें, नमाज का ज़ाना होने दें। लोग ईद की नमाज़ भी कहीं नहीं पढ़ते, चल पढ़ लेते हैं लेकिन उसके बाद ये कि जोहर नहीं पढ़ते, या उस रात जो है ना जब एतकाफ़ से उठते हैं या रोज़ा की रात होती है तो मंडियों में, बाज़ारों में, ख़रीदारियों में लगे होते हैं। तो मेरी गुजारिश यह है कि आप कुछ भी करो, मैं दुनिया के किसी काम से रोकता नहीं हूँ, दुनिया के तमाम जायज़ काम करो, लेकिन साथ अल्लाह की याद को ना भूलो। नमाज जहाँ भी हो, मार्केट में हो, बाजार में हो, मंडी में हो, जहाँ कहीं भी हो, आपका काम है नमाज का वक्त है तो नमाज लाजमी पढ़ो, इशा जरूर पढ़ो, फजर जरूर पढ़ो, जो आपकी फर्ज नमाजें हैं उनको लाजमी पढ़ो। तो दुनिया भी हाथ में रहे, दीन भी हाथ में रहे।